सुप्रभात बच्चों, आशा इन्हें पूर्ण विश्वास है कि आप घर में अच्छे से अपनी पढ़ाई हर विषयों की कर रहे हैं। जहाँ तक संस्कृत की बात है, संस्कृत विषय में पहला, दूसरा और तीसरा चैप्टर समाप्त हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपने क्लास वर्क और होमवर्क का काम अलग अलग कॉपी में नोट कर लिया होगा, अभ्यास के प्रश्नों को कर लिया होगा। आज हम लोग चौथे चैप्टर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। चौथा चैप्टर है सदैव पूर्तो निधेहि चरणम। सदैव पूर्तो निधेहि चरणम अर्थात हमेशा अपने कदम को आगे की ओर बढ़ाओ, हमेशा अपने कदम को। कहने का आशय क्या है? यहाँ कभी कवि हैं, इस संस्कृत गीत के कवि हैं श्रीधर भास्कर वाडेकर। क्या बच्चों, ये संस्कृत गीत है। हिंदी में आप कविता पढ़ते हैं, संस्कृत में श्लोक पढ़ते हैं, और ये संस्कृत गीत है, संस्कृत गीता। इसमें इस गीत के माध्यम से कवि ने ये बताने का प्रयास किया है या संदेश देने का प्रयास किया है हम सभी को, विशेषकर युवाओं को यह संदेश देने का प्रयास किया है, विद्यार्थियों को, कि आप अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित कीजिए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चाहे जितनी मुसीबत आए, चाहे जितनी कठिनाई आए, चाहे जितनी परेशानियां आए, सबको चुनौती मान करके, सभी कठिनाइयों को चुनौती मान करके आप अपने कदम को उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे की ओर बढ़ाएं। प्यारे बच्चों, कवि श्रीधर भास्कर वाडेकर एक राष्ट्रवादी कवि हैं और उन्होंने अनेक अपने रचनाओं के माध्यम से, अपने गीतों के माध्यम से हमें कर्मठता का, ईमानदारी का संदेश दिया है, हमें जागरूक करने का संदेश दिया है कि हम अपने लक्ष्य के प्रति, जो हमने अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित किया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ें। प्यारे बच्चों, महाभारत का वो प्रसंग आपको याद होगा, आपने एक किताब में पढ़ा भी होगा कि जिस समय कौरव और पांडव राजकुमार धनुर्विद्या सीख रहे थे अपने गुरु जी के साथ, तो जब धनुर्विद्या का कोर्स कंप्लीट हो गया तो गुरु जी ने एक दिन परीक्षा लेना चाहा कि हमने जो सिखाया है कितने शिष्यों को वह धनुर्विद्या अच्छे से ज्ञात हो गई है। उन्होंने एक पेड़ के नीचे एक बड़ा सा कड़ाहा रखा और उसमें तेल भर दिए। ऊपर पेड़ के एक डाल पर मछली एक लगा दी और सभी राजकुमारों को बुला करके कहा, कौरव पांडव, कि आपको ये लक्ष्य है कि आप नीचे देख करके, कढ़ाई में मछली का चित्र देख करके, उस तेल में मछली का चित्र देख करके उसकी बाईं आंख में आपको निशाना लगा, जो निशाना लगा देगा इसके मतलब वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर माना जाएगा। उसने विद्या को, धनुर्विद्या को अच्छे से ग्रहण कर लिया है। प्यारे बच्चों, पहले कौरवों को बुलाया गया, जो भी आता था धनुर्धर राजकुमार धनुष बाण लेकर के आता था, प्रत्यंचा चढ़ाता था, नीचे देख करके ऊपर निशाना लगाना था। उनसे पूछा जाता था कि समय आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो कोई कहता था तेल दिखाई दे रहा है, कोई कहता था कड़ाह दिखाई दे रहा है, कोई कहता है मछली दिखाई दे रही है, सही लक्ष्य किसी को नहीं पता था। इवन पांडव राजकुमार का भी जब नंबर आया, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, इसमें जब अर्जुन का नंबर आया तो अर्जुन से भी वही प्रश्न पूछा गया, तो उसने सटीक जवाब दिया अर्जुन ने कि नहीं गुरुदेव, मुझे
मछली की बाई आंख दिखाई दे रही। गुरुदेव को यह आभास हो गया कि जिस शिष्य को, जिस विद्यार्थी को मैंने इतना दिन जो शिक्षा दी थी धनुर्विद्या की, उसको जब अपना लक्ष्य दिखाई पड़ रहा है तो निश्चित रूप से यह लक्ष्य को भेद देगा, और हुआ भी वही। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब हम अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करें तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम निरंतर सतत प्रयास करें, प्रयत्नशील रहें, तभी वो लक्ष्य हमें प्राप्त हो सकता है। इतना ही नहीं, आजकल हम सारे संसाधन हैं, साधन है, सब कुछ है, लेकिन हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, हम दिशाहीन पढ़ाई कर रहे हैं, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम किस दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए जीवन में पढ़ाई के दौरान कि आगे बढ़ करके, आगे चल करके हम किस दिशा की ओर आगे बढ़ते हैं। हमें टेक्निकल लाइन में जाना है, मेडिकल के क्षेत्र में जाना है, या इंजीनियर बनना है, या वैज्ञानिक बनना है, क्या हमें बनना है उस, या सिविल सर्विसेज में जाना है। हमें एक लक्ष्य निर्धारित करके उस लक्ष्य को 24 घंटे मनन करते हुए कि कैसे हम लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, अपनी कर्मठता से, अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से, अपने कठिन परिश्रम से, किस तरह से उस लक्ष्य को प्राप्त करें। लक्ष्य को बड़ा होता है, आप कहते हैं हम आईएएस बनेंगे, कोई पूछता है तो आप कहते हैं आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, लेकिन क्या कभी आपने ईमानदारी से सोचा है कि हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम कितना सार्थक प्रयास कर रहे हैं। आजकल हम दिखावटी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं प्यारे बच्चों। दिखावटी पढ़ाई वही छात्र, वही स्टूडेंट करता है जिसके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं, केवल माँ बाप को दिखाने के लिए, अपने पेरेंट को दिखाने के लिए वह दिखावटी पढ़ाई कर रहा है। वो स्वयं डार्क में है, अपने पेरेंट को भी डार्क में रखे हुए हैं, इससे न तो उसका कोई लक्ष्य है, दिशाहीन पढ़ाई से उसको जीवन में कुछ हासिल होने वाला नहीं। चौथा चैप्टर है सदैव पूर्वतो निधेहि चरणम्, हमेशा अपने कदम को पूर्वतः, पूर्वता का अर्थ होता है आगे की ओर, पूर्वता का अर्थ होता है आगे की ओर, आगे की ओर, और इसका विलोम है पृष्ठता, पृष्ठता का अर्थ होता है पीछे की ओर, पीछे की ओर। इसी तरह से निधे, निधे मतलब रखो, अपने कदम को आगे की ओर रखो या बढ़ाओ, निधे रखो, चरण मतलब पैर। सदैव पूर्वतो निधेहि चरणम्, हमें कवि ने इस कविता के संदेश, कविता में यह संदेश दिया है, संदेश के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि हम जीवन में अगर कुछ हासिल करना है, अपने लक्ष्य को हासिल करना है, तो हमें कर्मठ बनना पड़ेगा, कर्म मतलब कठिन परिश्रमी, और हमें सतत जागरूक रहना होगा उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, हमेशा हमें अपने को अपडेट रखना होगा। प्यारे बच्चों, एक बार इस कविता को हम पढ़ते हैं, आप ध्यान से श्रवण करेंगे, उसके बाद ये संस्कृत के गीत बहुत आसान गीत है, आपको अच्छे से इसको याद कर लेना। चल चल पुरतो निधे ही चरणम्, सदैव पुरतो निधे ही चरणम्, गिर शिखरे नम निज निकेतनम्, विनैव यानम नगारोहणम्, बलम स्वकीयम् भवति साधनम्, सदैव पुरतो निधे ही चरणम्। पथ पाषाणा विषमा प्रखरा, हिंस्रक पशव परितो घोरा, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम्, सदैव पुरतो निधे चरणम्। जहीह भीतिम भज भज शक्तिम, विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, पुरपुर सत्तम ध्येय स्मरणम्, सदैव पुरतो निधे चरणम्।
प्यारे बच्चों, इस गीत के माध्यम से कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि हम अपने लक्ष्य को, लक्ष्य हमारा बड़ा कठिन है लेकिन हमें घबराना नहीं है, हमें अपने पर भरोसा रखना है, अपने आत्मबल पर, अपने मनोबल को नहीं तोड़ना है, अपने आत्मबल को गिराना नहीं है और यही तो हमारे सहारे हैं, यही हमारा बल है, जिस बल के द्वारा हमारे अंदर एक उत्साह का संचार होता है और हमारे मुंह से निकलता है कि नहीं ये तो अवश्य कर लेंगे, कर सकते हैं, नहीं डाउट नहीं रहना चाहिए, ये लक्ष्य हम अवश्य हासिल करके रहेंगे। ये जब कॉन्फिडेंस आता है तब हम आगे की ओर निश्चित रूप से सफलता की ओर कदम बढ़ाते हैं। चल चल पुरतो निधे ही चरणम, चलो अपने कदम को आगे की ओर बढ़ाओ। सदैव पुरतो निधे ही चरणम, हमेशा सदैव सदा एव अपने कदम को, हमेशा ही अपने कदम को आगे की ओर बढ़ाओ। आगे की ओर बढ़ाने का मतलब है सफलता की जो सीढ़ी है उस सीढ़ी पर एक एक कदम हम आगे की ओर बढ़े, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अपने कदम को आगे की ओर बढ़ाए। गिर शिखरे नन निज निकेतनम, कवि का कहने का आशय यह है कि गिर शिखरे नन निज निकेतनम, नन का अर्थ होता है निश्चित रूप से, नन का अर्थ होता है निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। गिर शिखरे नन निज निकेतनम, निकेतन मतलब घर, पर्वत के शिखर पर हमारा घर है, निश्चित रूप से पर्वत के शिखर पर हमारा घर है। यहाँ कवि के कहने का आशय यह है कि हमारा लक्ष्य बहुत दूर है। गिर शिखरे नन निज निकेतनम, निश्चित रूप से पर्वत के शिखर पर हमारा घर है। घर कहने का आशय है कि इतनी दूरी पर हमारा लक्ष्य है। विनय वयानम नगारोहणम, और इतनी विशाल ऊंचाई पर, इतनी ऊंचे पर्वत पर जहां मेरा घर है, जहां मेरा लक्ष्य है, उस लक्ष्य पर जाने के लिए न तो कोई साधन है और न ही कोई संसाधन। विनय वयानम नगारोहणम, नग आरोहणम, नगारोहण पर्वत पर चढ़ना, नग आरोहणम नगारोहणम, नगारोहणम नग आरोहणम, विनैव आख्यानम नगारोहणम, विनैव यानम नगारोहणम पर्वत पर चढ़ना, बिना किसी साधन के, बिना किसी संसाधन के उस पर्वत शिखर पर हमें पहुंचना है, अपने घर पे पहुंचना है। घर मतलब हमारा जो लक्ष्य है, इतनी ऊंचाई पर वहां कोई साधन नहीं है, हम अभाव में जी रहे हैं, इसके बावजूद भी हमें वहां तक पहुंचना है। यहां पर कवि आगे ये भी कह रहा है कि बलम स्वकीयम भवत साधन, जब कोई साधन नहीं है, कोई संसाधन वहां तक पहुंचने के लिए नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वहां तक पहुंचने के लिए हमारा बल, हमने अभी बताया था कि हमारा आत्मबल ऊंचा होना चाहिए, हमारा मनोबल टूटना नहीं चाहिए। ये तो बल जब है, हमारा मनोबल ऊंचा रहेगा, हमारा आत्मबल ऊंचा रहेगा, तो इन्हीं इसी बल के सहारे हम वहां तक पहुंचने में सफल होंगे। बलम स्वकीयम भवत साधनम, ऐसी परिस्थिति जब कोई साधन नहीं होता है वहां तक पहुंचने का, तो यह हमारा आत्मबल, हमारा मनोबल ही एक बहुत बड़ा साधन होता है। कह रहे हैं कि सदैव पुरतो, और इसी साधन को, इसी मनोबल को ऊंचा रखते हुए हमें अपने कदम को आगे की ओर बढ़ाना है। आगे है पथि पाषाणा विषमा प्रखरा, पथि पाषाणा विषमा प्रखरा, पथ मतलब रास्ता, पाषाण मतलब नुकीले पत्थरों से युक्त है, विषमा और रास्ता कैसा है, विषम है, समतल नहीं है, विषम है, पहाड़ी मार्ग, दुर्गम मार्ग, कंटकाकीर्ण मार्ग, इस रास्ते पर हमें जाना है। पथि पाषाणा विषमा विषमा प्रखरा, नुकीले पत्थरों से युक्त है, विषम है, कंटकाकीर्ण मार्ग है। करे आगे कह रहे हैं कि हिंसा पशव परितो घोरा, और ऐसे रास्ते पर इतनी ही बाधाएं नहीं है, रास्ता ही दुर्गम नहीं है, बल्कि उस रास्ते पर अनेक खतरनाक जंगली जानवर है, हिंसक वो जानवर भी है, उस रास्ते में बाधाएं बनकर के आ गए हैं,
कवि का ये कहना है सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनम्, यद्यपि ऐसे मार्ग पर चलना बड़ा कठिन कार्य है फिर भी अपने कदम को आगे की ओर बढ़ाना है। किसके लिए? अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। करें सुदुष्करं, सुदुष्करं मतलब कठिन, सुदुष्करं खलु, खलु का भी अर्थ होता है निश्चित रूप से, यहाँ एक शब्द आया है ननु और खलु, इसका भी अर्थ होता है निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनम्, यद्यपि ऐसे रास्ते पर जो इतना कठिनाई से युक्त है, ऐसे रास्ते पर चलना बड़ा कठिन कार्य है फिर भी हमें अपने मनोबल को बढ़ाते हुए, अपने मनोबल को ऊंचा रखते हुए, अपने आत्मबल को ऊंचा रखते हुए हमें आगे की ओर बढ़ना है। अंतिम पद देखिए, जही है भीतिम भज भज शक्तिम, और कवि हमें क्या कह रहा है कि जही है भीतिम, भीतिम का अर्थ होता है डर, डर को भगाओ, दूर करो। अगर मन में किसी प्रकार का भय है, डर है, उस डर को दूर करो। जही है भीतिम भज भज शक्तिम, और अपनी शक्ति को, ईश्वर को याद करते हुए अपनी शक्ति को स्मरण करो। मन में किसी प्रकार का डर है, देख करके ही डर गए कि अरे इतना ऊंचा लक्ष्य, इतना कठिन रास्ता, हम कैसे जाएंगे। डरना, मन में अगर डर, जो डर गया वो मर गया, तो डरना नहीं है। मन में किसी प्रकार का भय है तो उस भय का परित्याग कर दो, भय को त्याग कर दो, और ईश्वर का स्मरण करते हुए अपनी शक्ति का स्मरण करो। करें हैं विधेय राष्ट्रे तथा अनुरक्ति, और राष्ट्र के प्रति अनुराग की भावना, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना रखते हुए, और इसके साथ ही साथ पुरुपुर सततम ध्येय स्मरण, अपने लक्ष्य को निरंतर 24 घंटे सतत स्मरण करते रहो, और इतना करते हुए अपने कदम को आगे की ओर बढ़ाओ। फिर से प्यारे बच्चों एक बार हम गीत पढ़ रहे हैं, चल चल पुर तो निधे ही चरणम, सदैव पुर तो निधे ही चरणम, गिर शिखरे निज निकेतनम, विनैव यानम नगारोहणम, बलम स्वकीयं भवति साधनम, सदैव पुरतो निधेहि चरणम, पतिपाषाणा विषमा प्रखरा, हिंस्रा पशवः परितो घोरा, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनम्, सदैव पुरतो निधेहि चरणम्, जयेह भीतिं भज भज शक्तिम्, विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम्, कुरु कुरु सततम् ध्येय स्मरणम्, सदैव पुरतो निधेहि चरणम्, चल चल पुरतो निधेहि चरणम्, सदैव पुरतो निधेहि चरणम्, गिर शिखरे ननु निज निकेतनम्, गिर शिखरे ननु निज निकेतनम्, विनैव यानम् नगारोहणम्, बलम् स्वकीयम् भवति साधनम्, सदैव पुरतो निधेहि चरणम्, सदैव पुरतो निधेहि चरणम्, पथिपाषाणा विषमा प्रखरा, हिंस्रा पशवः परितो घोरा, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनम्, सदैव पुरतो निधेहि चरणम्, सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनम्, सदैव पुरतो निधेहि चरणम्, जहि भीतिं भज भज शक्तिं, विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिं, जहि भीतिं भज भज शक्तिं, विधेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम्, कुरु कुरु सततम् ध्येय स्मरणम्, कुरु कुरु सततम् ध्येय स्मरणम्, सदैव पुरतो निधेहि चरणम्, चल चल पुरतो निधेहि चरणम्, सदैव पुरतो निधेहि चरणम्, सदैव पुरतो निधेहि चरणम्। ये गीत आपको पढ़ कर लेना है, बहुत आसान गीत है प्यारे बच्चों,
एक बार फिर से अर्थ मैं बता रहा हूँ, ध्यान से इसे आप सुने और निश्चित रूप से इस गीत को कॉपी में लिख लेंगे। कवि का कहना है कि हमेशा अपने कदम को पहले जीवन में लक्ष्य निर्धारित करें और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने कदम को आगे की ओर बढ़ाएं। गिरि शिखरे नन निज निकेतनम, पर्वत शिखर पर निश्चित रूप से पर्वत शिखर पर हमारा निकेतन, निकेतन मतलब आवास है, घर है। यहां कवि के आवास कहने का आशय है कि हमारा लक्ष्य बहुत ऊंचाई पर है, बहुत दूर है। कह रहे हैं कि विनैव जानम नगारोहणम, उस घर पर पहुंचने के लिए, उस पर्वत की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए हमें, हमारे पास कोई न साधन है न कोई संसाधन है, कुछ भी नहीं है। ऐसी स्थिति में कवि हमें यह कहता है कि बलम स्वकीयम भवत साधनम, ऐसी स्थिति में हमारा बल, जो हमारा आत्मबल है, हमारा मनोबल है, इसी के सहारे, यही हमारा साधन है, इसी के सहारे हमें वहां तक पहुंचना है, अर्थात इसी के सहारे हमें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। आगे है पथि पाषाणा विषम प्रखर, वहां तक पहुंचने के लिए जो मार्ग है, कह रहे हैं पथ ककरीले पथरीले नुकीले पत्थरों से युक्त है, विषम है, उबड़ खाबड़ रास्ता है, कंटकाकीर्ण मार्ग है, और इतना ही नहीं, इतना कठिन मार्ग है, इसके कंटकाकीर्ण मार्ग है, इसके बाद अनेक आपदाएं अनेक विपत्तियां भी इस रास्ते में हैं। कह रहे हैं कि हिंसक पशु परितो घोरा, चारों ओर से हिंसक पशु, खतरनाक पशु आपदा बन करके, विपदा बन करके, चुनौती बन करके उस रास्ते में खड़े हैं। हमारे उस लक्ष्य के प्राप्त करने के लिए जो हमारा मार्ग है, रास्ता है, उस रास्ते में इतनी ढेर सारी बाधाएं हैं। लेकिन कवि का कहना है, कवि ये भी कह रहा है, सुदुष्करम खरु यद्यपि गमनम, यद्यपि इस रास्ते पर चलना बड़ा कठिन कार्य है, सुदुष्करम कठिन, बहुत कठिन कार्य है, इसके बावजूद भी हमें लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने कदम को आगे की ओर बढ़ाना है। जही है भीतिम भज भज शक्तिम, जही है भीतिम भज भज शक्तिम, कह रहे हैं कि हम, हमारे मन में किसी प्रकार का अगर भय है तो उसको दूर करें, मन में किसी प्रकार का भय है तो उसको दूर करो। जही, जही मतलब दूर करो, क्या दूर करो, भीतिम मतलब डर, मन में किसी प्रकार का भय है, डर है, उसको दूर करो। विधेह राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, और करे जही है भीतिम भज भज शक्तिम, अब मन में किसी प्रकार का भय है तो उसको दूर करो, और कह रहे हैं कि भज भज शक्ति, ईश्वर का स्मरण करते हुए अपनी शक्ति पर, अपनी ताकत पर, अपने बल पर भरोसा रखो, अपने राष्ट्र के प्रति अनुराग की भावना रखो, प्रेम की भावना रखो, और जो लक्ष्य निर्धारित किया है वो लक्ष्य हमेशा हमें 24 घंटे दिखाई देना चाहिए, उसका स्मरण करते रहने से हमें दिखाई देगा, उसको हम याद करते रहें, सतत याद करते रहें कि हमें, हमारा वो लक्ष्य है और हमें वहां तक पहुंचना है, और इसको करते हुए अपने कदम को आगे की ओर बढ़ाना है। प्यारे बच्चों, जीवन में कई प्रकार की परेशानी होती है, आर्थिक कठिनाई होती है, सामाजिक परेशानी होती है, पारिवारिक समस्याएं होती हैं, इन सब के बावजूद भी अगर आपने ठान लिया है कि हम लक्ष्य को हासिल करके रहेंगे, तो ये जो कठिनाइयां रास्ते में आ रही हैं इनको आप चुनौती मानते हैं, और चुनौती मान करके आगे की ओर जो बढ़ता है वही जीवन में सफल होता है, क्योंकि उसी को लक्ष्य प्राप्त होता है। अभी सिविल सर्विसेज का जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है कि किसी चाय वाले का बेटा, किसी रिक्शा वाले का बेटा, किसी गरीब किसान का बेटा वो आईएएस बन गया। वो चाय वाला अपने धंधे में रहता, उसको बेटा या बेटी क्या कर रहा है, कितना उसको वो साधन दे पा रहा है, कितनी सुविधाएं दे पा रहा है, ये वो स्वयं जानता है, वो किसी तरह से पेट पाल रहा है,
सुविधाएं नहीं दे रहा है, लेकिन मन में दृढ़ इच्छा शक्ति अगर है तो निश्चित रूप से हम अभाव में जूझते हुए भी हम आगे की ओर बढ़ते हैं, अपना लक्ष्य प्राप्त करते हैं। आज भी हमारे देश में ऐसे गांव हैं, अभी भी लाइट नहीं है, लोग झोपड़ी में रह रहे हैं, विद्यार्थी लालटेन या लैंप के सहारे पढ़ाई कर रहा है, पेड़ के नीचे खुले आसमान में पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वो अभाव में जी करके अपने लक्ष्य को हासिल कर रहा है। हमें उसके जीवन से प्रेरणा मिल रही है, हम प्रेरित हो रहे हैं। और एक तरफ ऐसे भी अधिकांश संख्या में छात्र हैं जिनको सारे संसाधन हैं, सारे साधन हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं, और हम उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। कहाँ कमी रह जा रही है? कमी हमारे अंदर है। और जिस दिन हम ये ठान लेंगे, जिस दिन ये संकल्प कर लेंगे, जिस दिन इन कठिनाइयों को हम चुनौती मान लेंगे, अगर इनको हम बहाना बना लेंगे तो हम हासिल नहीं कर पाएंगे। इनको चुनौती मान करके अगर हम आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हम अपना लक्ष्य हासिल कर लेंगे। प्यारे बच्चों, आप इस कविता को, संस्कृत गीत को अच्छे से कॉपी में लिख लीजिए और इसे याद भी कर लीजिए। फिर अगली क्लास में एक बार फिर से इस चैप्टर को